नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन होता है वो है गर्भावस्था के लिए जो कमर दर्द होता है प्रेगनेंसी में, उसके लिए योगा है। ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे अपना पेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कमर की बोन पे प्रेशर पड़ेगा तो कमर दर्द रहेगा, पूरे 9 महीने भी रहता है। स्टार्टिंग में अपने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसी से शुरू हो जाता है ये सब चीज़ें, और पूरे 9 महीने तक रहती है। और कई बार ये चीज़ें हमारे प्रेगनेंसी के बाद में भी हमारे साथ में रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रेगनेंसी के बाद के कुछ योगासन अलग हैं, लेकिन अभी जो योगासन करेंगे वो प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरोज चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अपना सेशन शुरू। अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो प्राण योगासन थे उन्हीं में से अपन ने क्या किया है, कुछ कमर दर्द के रिलीफ के लिए थे उसको अलग से सिलेक्ट किया है। सबसे पहले अपन सीधे लेटेंगे। इस तरीके का पिल्लो, थोड़ा मोटा भी हो, ये तो थोड़ा छोटा है। इस तरीके से आप कॉशन अपने पैरों के बीच में लगाएं और पैरों को थोड़ा यहाँ पास में करें और धीरे धीरे सांसें लेते हुए राइट, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमर को कितना आराम मिल रहा है। सांस लें, सांस छोड़ें। इसके बाद अपने को सेतु बद्धासन होता है, सेतु बद्धासन या ब्रिज पोज होता है। बराबर मात्रा में पैरों को खोलें और हाथों को ऐसे टिकाएं, कमर को सांस भरते हुए ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। जब आप कमर को ऊपर करें तो दो एक दो सेकंड होल्ड करें कमर को, ताकि आपके पीछे से जो बैक पे है उसको रिलीफ मिलेगा। फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने हिप्स को पीछे खिसकाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर खिसकाएंगे। करवट लेटे उठेंगे, वज्रासन में बैठना है इसके पश्चात आपको। इसी तरीके से मैंने पीछे के वीडियोस में बताया था आपको, ये हाथ आपके इस पैर पे होना चाहिए, ये हाथ आपके इस पैर के टोको पकड़ना है और आपको पूरा इधर सांस लेते हुए मूव करना है। पांच सेकंड रुके, हाँ छोड़ते वापस आए।
ऐसे दूसरी तरफ करेंगे। हाँ, छोड़ते हुए वापस आए। बद्धकोणासन की स्थिति में बैठेंगे। इसमें आपका पोस्चर होता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम से सीधा। और सांस लें, आप महसूस करेंगे आपकी कमर पे एकदम से स्ट्रेचिंग होगा। कि कमर दर्द के लिए दो तीन आसन हैं जो आपको डेली करने हैं। जो आप आसन प्रेगनेंसी वाले करने हैं उनके साथ में ही करने, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है लास्ट मोमेंट पे आपको, तो आप इस योगासन को बंद कर सकते हैं। बाकी आपको अपने सब कुछ आपके डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है, वीडियोज़ को डायरेक्टली फॉलो नहीं करना है। तो आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।